तो सावन का पहला सोमवार है और इंद्रदेव जमकर जलाभिषेक कर रहे हैं महादेव का। जयपुर में जोरदार बारिश लगातार जारी है, ये दौर लगातार जारी है। आज सुबह से ही आसमान में बादलों ने डेरा डाले रखा था। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया था। प्रदेश के 7 जिलों में ऑरेंज व 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। राजधानी जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जालौर, सिरोही जिलों में यह ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का यह अलर्ट था, साथ ही कुछ स्थानों पर एक या दो तेज वर्षा के दौर होने की जताई भी संभावना। वहीं अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, इसके अलावा सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना जताई और वो संभावना सही साबित होते हुए नजर आ रही है। राजधानी जयपुर की हम बात करें तो लगातार सावन की झड़ी लगी हुई है। पहला सोमवार जहां इंद्रदेव महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं और ये दौर लगातार जारी है। सहयोगी पूजा दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई है सुबह से, वो हमें तस्वीरें भी दिखा रही है, अपडेट भी कर रही है, जानकारी भी दे रही है कि कहां पर कितनी बारिश हो रही है। एक बार फिर से राजधानी जयपुर का हाल पूजा से ही जान लेते हैं। पूजा, क्या आप अभी भी जल महल की पाल के पास ही खड़ी हैं? अभी क्या बारिश हो रही है क्या? बिल्कुल सही कहा पूरम आपने। देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है और जो शिवजी का जो इंद्रदेव जो है वो खुद ही अभिषेक कर रहे हैं, जल अभिषेक किया जा रहा है। और अभी देखिए, मैं अभी भी सिटी की तरफ मौजूद हूँ, आमेर की तरफ मौजूद हूँ। यहाँ पे अभी करीबन बज रहे हैं 10, और 10 बजे अगर हम पहले कुछ दिनों की बात करें तो उस टाइम पे चिलचिलाती धूप देखने को मिलती थी, उमस देखने को मिलती थी, पर आज जो मौसम है बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत सुहाना हो रखा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और देखिए, 1 बजे करीब मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है, 1 बजे करीब बिजली गिरने की आशंका भी जताई जा रही है और तेज बारिश होने की भी आशंका है। इसी के साथ में मौसम विभाग ने खासकर एक सतर्क रहने को भी कहा है लोगों को कि ऐसे टाइम पे जब पहले से ही चेतावनी सतर्क रहने को बोला गया हो, चेतावनी दी गई हो, तो ऐसे टाइम में कैसे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे कम से कम जाएं, क्योंकि देखिए मौसम अच्छा हो गया, सुहाना हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति भी हमें देखने को मिल रही है। तो मौसम विभाग ने प्रशासन की ओर से यही कोशिश की जा रही है कहीं किसी को नुकसान ना हो, कोई फंसे नहीं, कोई गाड़ी, देखिए आज आए दिन हमें देखने को सुनने को मिल रहा है कि गाड़ी फंस जा रही है, बसें जो बड़ी बड़ी हैं वो फंस जा रही हैं, ट्रक जैसी चीज़ें हैं जो वो भी फंस जा रहे हैं, तो ऐसे केस में बाहर ना निकले ये प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है। साइन बोर्ड्स भी लगाए जा रहे हैं, पर मौसम अच्छा हो रहा है, लोग आज सोमवार है, पूजा करने जा रहे हैं, अपने जो देव हैं शिव जी हैं उनको अभिषेक करने जा रहे हैं। जो पूजा पाठ का दौर है वो सुबह 4 बजे से जारी है, पर कहीं ना कहीं एक सतर्कता भी बरतनी जरूरी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, वैसे की जानकारी आप वैसे दे रही हैं, लेकिन फिर भी राजधानी जयपुर के लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि कल भी बारिश हुई, देर रात भी बारिश हुई कई इलाकों में, और अब भी बारिश हो रही है, ये कब तक दौर जारी रहने वाला है? मौसम विभाग का क्या कहना है, क्योंकि हालांकि उन्होंने अलर्ट तो जारी कर दिया है, जिलों के लिए येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, लेकिन फिलहाल कितनी स्थिति राजधानी जयपुर की रहने वाली है आने वाले समय में, या फिर सावन में ऐसे ही इंद्रदेव मेहरबान रहेंगे? पूनम, देखिए मौसम विभाग ने 4 दिन पहले ये कहा था कि 10 जुलाई तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और वैसा ही हो रहा है, पर आज नया जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, आगे आगामी 15 जुलाई तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, मेघ गर्जन भी देखने को मिलेंगे, हो सकता है ओलावृष्टि भी कहीं ना कहीं देखने को मिले। और पूनम देखिए, राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजसमंद में बहुत 110 मिलीमीटर बारिश हुई है, वहीं जयपुर में उसके बाद सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं देखिए पूरा जुलाई जो है वो इसी तरीके रहने वाला है। पर देखिए, सावन है और बारिश ना हो ये तो हो नहीं सकता, और छोटी काशी में जो भगवान है उनकी पूजा पाठ का जो दौर है वो लगातार जारी है और इंद्रदेव भी मेहरबान हो चुके हैं इसी के साथ में। चलिए ठीक है, पूजा बने रहिएगा हमारे साथ, आपका एक बार फिर से रुक करूंगी, लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। जी हाँ, ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें है, राजधानी है राजस्थान की, लेकिन जैसे ही बारिश होती है कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है, जल भराव हो जाता है, जगह जगह पानी की तस्वीरें, ऐसा लगता है मानो जैसे बाढ़ आ गई हो, जलजले की तस्वीरें हैं। और जयपुर में जोरदार बारिश का दौर अभी भी लगातार जारी है, लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन लोगों को
क्योंकि सोमवार का दिन है, मंडे है, लोग काम की तरफ निकलते हैं, लोग छुट्टियां मनाकर वापस आते हैं, स्कूल खुल चुके हैं और ऐसे में काफी परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी विकास भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुबह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। विकास, अभी आप कहां पर मौजूद है, वहां की क्या तस्वीर है, क्या अभी भी बारिश हो रही है आप जहां पर हैं? देखिए पूनम, जयपुर आज कह सकते हैं सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार को इंद्र भगवान किस तरह से मेहरबान हुए हैं उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त मैं खड़ा हूं सहकार मार्ग पर और सहकार मार्ग की स्थिति मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से पूरा जो मौसम है वो बिल्कुल बदला हुआ है। सुबह से जोरदार बरसात जिस तरह से हो रही है उसके चलते पूरा जयपुर शहर जो है इस वक्त जल कह सकते हैं कि मौसम जो कि पहला सोमवार आज सावन का उसके लुत्फ उठाने की स्थिति में, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी है वो देखने को मिल रहे हैं। आज जयपुर शहर में लगभग जितनी भी प्रमुख सड़कें हैं वो सभी सड़कें जो हैं वो इस वक्त जलमग्न हो गई है। उसके चलते आप देख सकते हैं ट्रैफिक जो है वो सब जगह पे जाम की स्थिति हो गई। इस वक्त सुबह सुबह जिस तरह से बरसात हुई है उसके चलते सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को हुई है जिनको ऑफिस जाना है, सुबह 10 बजे जिनको ऑफिस जाना है उनके लिए सुबह 2 से 3 घंटे का इंतजार कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालात ये हैं कि टॉक रोड, गोपालपुर बाईपास, इसके अलावा साथ में त्रिवेणी नगर, करधनी, झोटवाड़ा, ये तमाम जो बड़े इलाके हैं यहाँ पर लगातार यहाँ से सूचनाएं मिल रही है कि वहाँ पर काफ़ी तादाद में पानी जो है वो मुख्य सड़कों पर जमा हो गया, इसके चलते जाम की स्थिति हो गई है। ये जो सड़क है सहकार मार्ग, ये सबसे व्यस्तम सड़क मानी जाती है क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा ऑफिस के लोगों की आवाज़ी होती है, लेकिन वहाँ की तस्वीर दिखाऊंगा, लगभग गिने चुने वाहन कह सकते हैं, इक्का दुक्का वाहन ही यहाँ से गुजर रहे हैं। वो इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो ऑफिस जाने वालों का जो लोड है वो अभी रोड पर नहीं आया, हालांकि जो चौराहे है वहां पर जाम की स्थिति जरूर लगी हुई है क्योंकि लोग जो निकल रहे हैं घर से बाहर निकल रहे हैं उनको जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अभी इस वक्त हम देख सकते हैं कि जयपुर शहर के अधिकांश सड़कों जो है वहीं पर ही ऐसे हालात बने हुए हैं। जी ठीक है, और ये कैसे हालात जो है इस तरीके के कब तक रहेंगे, क्योंकि हम तो ये अपडेट तो दे रहे हैं दर्शकों को, लेकिन अभी ताजा अपडेट क्या है मौसम विभाग की तरफ से? विकास, देखिए पूनम, अगर बात करें ताजा अपडेट की तो अगले 24 घंटे में जयपुर समेत कुल 13 से 14 जिले ऐसे जहां पर तेज बरसात की अलर्ट है, और उसी के चलते आप देख सकते हैं ये जो अलर्ट है उसका जो मैसेज है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। जो ये कहा गया था भारी बरसात होगी उसके चलते तो तेज बरसात सुबह से ही जयपुर शहर में देखने को मिल रही है। आप देखिए सड़क पर किस तरह से पानी पूरा सड़क हो चुकी है, और ये तो सिर्फ नज़ारा है, कह सकते हैं छोटी सी बान की है। अगर हम बात करेंगे उन इलाकों की जहां पर जल भराव ज़्यादा होता है वहां की स्थितियां काफ़ी गंभीर हो चुकी है, जहां पर काफ़ी पानी भर चुका है और लोगों को आवागमन जो है पूरी तरह से बाधित होता नजर आ रहा है। जी वैसे कौन कौन से ऐसे इलाके हैं विकास जहां पर सबसे ज्यादा स्थिति भयावह हो गई है, क्योंकि आप जहां पर खड़े हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। हम भी आपको यही कहेंगे कि आप अपना भी ध्यान रखिएगा, कैमरामैन सहयोगी का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज बारिश है। ऐसे में जो ट्रैफिक यहां से निकल रहा है कितनी परेशानियों की यहां पर उनको सामना करना पड़ रहा है, कितनी दिक्कतें उनको आ रही है विकास? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा कि और जूम करके दिखाएंगे तस्वीर, आगे की तस्वीर जहाँ पर कि जाम लगा हुआ है, ये वो तस्वीर है सहकार मार्ग से जहाँ पर कि नाला जो नीचे उतरता है और उस नाले के चलते वहाँ की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जाम जो है वो यहाँ होता नजर आ रहा है, क्योंकि पीछे की साइड में पूरा नाला जो है वो उफान की स्थिति में है, तो ऐसे में वाहन जो है वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। उसके अलावा और तस्वीर में आपको यहाँ से जो दूसरे सड़कें हैं वहां की तस्वीरें दिखाना मुनासिब नहीं होगा, हालांकि हम अलग अलग तस्वीर कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शकों के माध्यम से कि वो हमको विजुअल उपलब्ध कराए ताकि हम आप तक हमारे दर्शकों तक पूरी जो तस्वीर दिखा पाए, लेकिन आज
सुबह से ही जिस तरह से बरसात के तेवर देखने को मिल रहे हैं उससे ये है कि लोगों को जहां राहत मिली है वहीं दूसरी ओर आफत भी उनको झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है जयपुर शहर का, वो ड्रेनेज सिस्टम सीधे तौर पर चढ़ा रहा है प्रशासन को कि देखिए आपने हमारा ध्यान नहीं रखा तो अब हम भी आपका ध्यान नहीं रख पाएंगे। पूरा जयपुर शहर जलमग्न हो गया है, लोग जो है वो रस्ते में निकल रहे हैं, उनसे बात करें, कुछ लोग उनसे बात करने प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद कुमावत। कहाँ पूरे भीग गए, कहाँ से आ रहे हो? जोटवाड़ा से। जोटवाड़ा से आ रहे हो? बहुत तेज हो रही है बरसात, चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है। ऐसी बरसात में घर से क्यों निकले? सर रास्ते में कम थी, बाद में बात तेज हो गई, सोडाला से ज्यादा तेज बरसात है, चारों तरफ नाले पानी में भरे हुए हैं। सावन का पहला सोमवार है, जलाभिषेक हो रहा है। हाँ, जलाभिषेक हो रहा है, आज व्रत भी है शंकर भगवान का। बहुत बहुत देखिए लोगों में प्रसन्नता है इस बात की कि आज सावन का पहला सोमवार है और सीधे तौर पर भगवान शिव जिनकी आराधना हम आज के दिन कर रहे हैं और वो आज बड़े प्रसन्न है। सुबह से पूरा जयपुर शहर जो है वो जलाभिषेक कह सकते हैं इस बात को, इंद्र भगवान मेहरबान है। सुबह से पूरे जयपुर शहर में बरसात हो रही है, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को सवाल के घेरे में जरूर खड़ा कर रहा है, क्योंकि अगर ड्रेनेज सिस्टम सही होता तो ये जो अमृत बरस रहा है इसका सदुपयोग किया जा सकता था। जी। बहुत अच्छी बात आपने कही है विकास, बने रहेगा हमारे साथ। पूजा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लेते हैं, आप सिटी में हैं और सबसे ज्यादा निचले इलाके वहां पर भी है और जहां चारों तरफ नाले हैं, नालों में पानी उफान पर आ जाता है बारिश के समय में, क्योंकि निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और ज्यादातर पानी वहां पर भी जाता है सिटी की तरफ जहां पर निचले इलाके हैं। क्या आपको कोई ऐसी तस्वीर वहां पर नजर आई जहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, जहां पर जलभराव की स्थिति हो? सिटी में कोई ऐसी तस्वीर आपने देखी पूजा? पूनम, देखिए अभी मैं चंद मिनट पहले ही मैं आपसे बात कर रही थी और मैं आपसे को कह रही थी कि 1 बजे करीब लगभग तेज बारिश हो सकती है, पर देखिए अभी तेज बारिश हो गई है और मैं जिस मंदिर में खड़ी हूँ वहाँ जल भराव की स्थिति अभी से ही देखने को मिल गई है। अभी आप साफ देख सकते हैं, अगर ये मंदिर का हाल है तो रोडों का क्या ही हाल हो रहा होगा यहाँ पे। अब कंटिन्यू अगर ये लगातार बारिश होती है तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत होगी और सिटी, जैसा कि अभी आपने बताया दर्शकों को कि सिटी बहुत ही नीचे उस पर आती है, वहाँ पर जल भराव की वो जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकती हैं कि कैसे लगातार बारिश की वजह से जो है पानी लगातार अब इकट्ठा होना शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं देखिए पूनम, अगर लगातार 1-1.5 घंटे बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जल भराव यहाँ भी देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को दिक्कत होगी और जो टूरिस्ट हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर पूजा पॉसिबल हो तो मंदिर के परिसर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं या फिर अभी आना बंद हो गया है उनका, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन भक्ति भाव कहीं से कम होता नहीं है श्रद्धालुओं का, वो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं भगवान को रिझाने के लिए, पूजा करने के लिए। अगर पॉसिबल हो तो बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मंदिर परिसर की तस्वीरें आपने दिखाई है, वहां पर भी जल भराव जैसी स्थिति हो रही है। मंदिर के पुजारी से बात करने की कोशिश कीजिए या फिर आसपास लोगों से बात करने की कोशिश कीजिएगा कि वो कितनी मुश्किलात से जूझते हुए यहां से निकल रहे हैं। देखिए मेरे साथ अभी मैं आमेर में स्थिर है, एक मंदिर है वहाँ पे, देखिए लोगों का आना जाना आगमन बंद नहीं है, लोग आ रहे हैं, आज सोमवार है, जायज सी बात है, अपने जो देव हैं, अपने जो शिव जी हैं उन पर उनकी पूजा पाठ का जो दौर है वो लगातार जारी है। और देखिए यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इनसे जानते हैं कि बारिश आ रही है, क्या क्या कुछ समस्याएं हैं उनको जो सामना करना पड़ता है। पहले तो सर आपका नाम बताइए, कहाँ? मेरा नाम मुकेश जी है, मैं आमेर के रहने वाला हूँ, यहीं रहता हूँ, नगर निगम में सर्विस करता हूँ। और मैडम आ रही है आज सेशन कट करने के लिए। देखिए बारिश आ रही है लगातार। आमेर में मंदिर है तो क्या कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलती? समस्या तो ये पानी की ज़्यादा होती है, जब बरसात आती है तो रोड पे पानी भर जाता है, आने जाने में दिक्कत आती है, और भी कई समस्या है हमारे यहाँ। तो देखिए पूनम, देखिए अभी जैसे कि इन्होंने बताया कि बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जल भराव हो जाता है, और देखिए मैं आपको एक तस्वीर यहाँ खासकर दिखाना चाहूंगी क्योंकि ये दिखाना बहुत जरूरी है। मंदिर जैसी जगह में अगर जल भराव हो रहा है तो रोडों का हाल क्या ही हो रहा होगा। आप देखिए यहाँ से लेके वहां तक पूरा मंदिर है, भक्तों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। अभी पानी लगातार भरता जाएगा जिसकी वजह से लोगों को, भक्तों को कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। ठीक है पूजा, बने रहेगा आपका, मैं करूंगी। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, आपने ये बातचीत की थी, बातचीत के दौरान ये आपने बात कही थी कि सदुपयोग अगर पानी का हो जाता तो बेहतर होता, अगर ड्रेनेज सिस्टम सही होता राजधानी का।
कमोबेश ऐसा होता नहीं है, हर साल दावे किए जाते हैं सफाई व्यवस्था को लेकर भी, पानी की निकासी को लेकर भी। आज आप जिस जगह पर खड़े हैं, आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की नजर आ रही है, आपको क्या महसूस हो रहा है कि अगर ये होता तो ऐसा होता? देखिए पूनम, बिल्कुल जो सावन कह सकते हैं, बरसात का सीजन, मानसून की जो दस्तक होती है उससे पहले पूरी सरकारी मशीनरी दावा करती है कि पूरे सिस्टम को दुरुस्त किया गया है। एक तरफ जहां पर नालों की सफाई की गई है, वहीं दूसरी ओर सड़कों को भी ठीक कर दिया गया, दुरुस्त कर दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी फील्ड में नजर नहीं आ रहा। अगर बात करें हम बाहरी इलाकों की, चाहे वो जामडोली की बात करें, चाहे वो मानसरोवर एक्सप्रेस की बात करें, चाहे वो जगतपुरा की बात करें, चाहे वो झोटोड़ा की बात करें, चाहे वो और तमाम जो बाहरी इलाके हैं उनकी बात करें, लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस बरसात के अंदर भले ही वो अपने इंतजाम करके घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये तय नहीं है कि वो अपने नियत स्थान तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की सड़कें हैं वो सड़कें अपने आप में जैसा जरा सा पानी भरते ही वो सभी गड्ढे जो है वो सिस्टम को चलाने का काम कर रहे हैं। पूरी पब्लिक जो है वो परेशान हो रही है, और उस पब्लिक को परेशान होने का जो दिक्कतें हैं उसकी जो बानगी हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि लोग जो अपने नियत स्थान के लिए निकलते हैं वो नियत स्थान तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीच में कहीं ना कहीं गाड़ी खराब हो रही है या फिर गाड़ी कहीं धस रही है। अगर बात करें आज की, तो मैं आज का सुबह का एग्जाम्पल देता हूं कि सुबह मैं खुद घर से जब निकला था तब आप देखिए मानसरोवर एक्सटेंशन को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जो है वो बीच में क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उसके चलते पूरा यातायात जो है वो बाधित हो रहा है, वहां पर लंबा जाम जो है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। उसी तरह से दूसरी बात करें जो ड्रेनेज सिस्टम की, तो राजधानी जयपुर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है, और इसी का परिणाम है कि जो पानी आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा विनोद को कि वो बताएंगे किस तरह से जो पानी, बरसात का पानी जो बहता हुआ ये नालों में जा रहा है, ये वेस्ट हो रहा है, जबकि इस पानी का नजर नहीं आ रहा है। मॉनसून चल रहा है, सावन आ गया है, मेघ मेहरबान है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि हम ये तस्वीरों को दिखाकर ये कहते कि वाह क्या खुशनुमा माहौल है, लेकिन अफसोस इस बात का हमें कहना पड़ रहा है कि राहत नहीं ये आफत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।